बात करेंगे कन्या राशि वालों को राहु देव अपनी उच्च की मिथुन राशि में आने के बाद 2020 सितंबर तक क्या फल देने वाले हैं। तो कन्या राशि वालों को दसवें घर में बिजनेस हाउस में पिता के घर में राहु देव आए हैं। इसका मतलब बिजनेस में बुलंदियां छूने वाले हो, नए बिजनेस की रूपरेखा बनने वाली है। कन्या राशि वालों की चांदी चांदी है, नाइन्थ हाउस में बिजनेस डेवलप करेगा, पुराने बिजनेस को हाई कर देगा, नया बिजनेस है उसको और ऊपर ले आएगा। कन्या राशि वालों को धन की बचत होगी और इस साल में कुछ बड़े बड़े काम होंगे, नए आपके कुछ रास्ते क्लियर होंगे, जो कई दिनों से प्लानिंग चलती आ रही थी वो सब चीजें ठीक होंगी। कन्या राशि वालों को अगर राहु की दशा चल रही हो या चंद्रमा की दशा चल रही हो तो आपका कोई मान के चलिए बिजनेस में चेंज होगा, बदलाव होगा। राहु या चंद्रमा की दशा, महादशा अंतरदशा चल रही है तो उस दशा में परिवर्तन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। कुल मिलाकर के आपकी फेवर में है। हाँ, केतु चौथे घर में आ जाएंगे तो माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, फिसल के ना गिर जाएं, या उनकी हेल्थ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो तुरंत इलाज कराएं, उनके मेडिकल टेस्ट पूरे करवा लीजिए। तो चौथे घर में कहीं ना कहीं माता को थोड़ा कष्ट का चांसेस हैं। उपाय के तौर पे श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और बजरंग बाण का पाठ डेली करें तो बहुत अच्छा रहेगा। माता का आशीर्वाद लिया करें, उससे भी बहुत फायदा मिलेगा।